Hello everyone, I'm Dr. Abhinav Katyal. I'm a consultant nephrologist at Sarvodaya Healthcare. And today I'll be discussing with the common myths and queries regarding dialysis. So pehle start karte hain sabse basic question se, what is dialysis? So dialysis is a procedure in which we try to remove the waste materials accumulated in your body, including your fluid content. Dialysis basically wohi kaam karta hai jo kaam aapki ab kidneys nahi kar pa rahi hain. जैसे शरीर से पूरा कचरा निकालना, शरीर से पानी निकालना या एसिड बैलेंस की मात्रा को रेगुलेट करना। दूसरा क्वेश्चन आता है डायलिसिस पेशेंट्स में कि क्या ये डायलिसिस परमानेंट है या ये टेम्परेरी है। सो ये डिपेंड करता है आपके किडनी की तकलीफ पे। सो देयर आर कॉमनली टू टाइप्स ऑफ किडनी डिजीजेस, वन इज अक्यूट किडनी इंजरी एंड अदर इज क्रॉनिक किडनी डिजीज। थर्ड एंटिटी इज अक्यूट ऑन क्रॉनिक किडनी डिजीज। सो अक्यूट किडनी इंजरी होता है जब आपको पुराना कोई किडनी का बीमारी ना हो और किसी दूसरे कारण से, जैसे बीपी का बहुत ज्यादा फॉल हो जाना या किडनी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होना या शरीर में इन्फेक्शन होना या किडनी में किसी तरीके की रुकावट आ जाना, ऐसे केसेस को बोलते हैं अक्यूट किडनी इंजरी। और ऐसी परिस्थिति में चालू हुआ डायलिसिस यूजली टेम्परेरी रहता है और ये हफ्ते से 3 महीने के अंदर अंदर किडनी रिकवर कर जाती है। किडनी की रिकवरी कैसे समझती है? किडनी की रिकवरी समझती है आपके पेशाब की मात्रा पे और आपके ब्लड टेस्ट पे, जो कि आपको रेगुलरली कराते रहने पड़ते हैं। दूसरा रहता है क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज मींस अ डिजीज विच इज बीन देयर इन योर बॉडी फॉर मोर देन 3 मंथ्स ड्यूरेशन। जो किडनी की बीमारी आपको 3 महीने से ज्यादा है और किडनी रिकवर नहीं की है, उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज बोला जाता है। ऐसे पेशेंट्स में जिनमें धीरे 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 करके आपका क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, उनमें रिकवरी के चांसेस डायलिसिस शुरू होने के बाद कम रहते हैं और ऐसे पेशेंट्स को अधिकतर समय डायलिसिस चालू रखना पड़ता है, जो कि जिंदगी भर के लिए भी हो सकता है। अभी आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि डायलिसिस कैसे करवा सकते हैं। सो डायलिसिस होता है 2 तरीके का, एक होता है पेट का डायलिसिस और एक होता है खून का डायलिसिस, जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। पेट का डायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है पेट में एक कैथेटर डाल के, जो कि नाभि के जस्ट ऊपर डाला जाता है। इसमें आपके किडनी फंक्शन के हिसाब से आपको सेशंस एडवाइज किए जाते हैं, विच कैन रेंज फ्रॉम 3 सेशंस टू 4 सेशंस पर वीक। एंड दिस यूजली रिक्वायर्स अ प्रेजेंस ऑफ अ केयर टेकर बिफोर स्टार्टिंग अ पेरिटोनियल डायलिसिस। द बेनिफिट ऑफ दिस पेरिटोनियल डायलिसिस इज दैट आपको किसी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, ये डायलिसिस आप घर पे भी कर सकते हैं एंड इट इज इक्वली एफिकेसियस। द सेकेंड इज हीमोडायलिसिस, जिसको हम ब्लड का डायलिसिस बोलते हैं, जो कॉमनली पेशेंट्स को पता रहता है और जो सेंटर पे जाके करवाना पड़ता है। खून का डायलिसिस करवाने के लिए 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो फिर कैथेटर डालना, जो कि आपके शरीर के किसी बड़ी नस में, गर्दन की नस है या पैर की नस है, उसमें डाला जाता है। और दूसरा ऑप्शन रहता है फिस्चुला बनवाना। फिस्चुला में वॉट वी डू, वी जस्ट मेक अ बिग सेगमेंट ऑफ योर वेन, आपकी 2 नसों को जोड़ के एक बड़ा सेगमेंट बनाया जाता है ताकि डायलिसिस फिर हाथ से हो। और ये फिस्टुला इज ऑलवेज बेटर देन अ टेम्परेरी कैथेटर और अ परमानेंट कैथेटर। नाउ कमिंग टू अनदर कॉमन क्वेरी विच पेशेंट फेसेस व्हेनेवर समवन एडवाइजेस देम डायलिसिस इज वेदर दे हैव टू कंटिन्यू मेडिकेशंस ऑन डायलिसिस और नॉट। सो द आंसर इज डेफिनेटली येस। आपको बीपी की मेडिसिन, आपको कैल्शियम फॉस्फोरस डिसबैलेंस की मेडिसिन और खून बढ़ाने के इंजेक्शन एज पर योर रिपोर्ट्स लेते रहने पड़ते हैं। हर डायलिसिस में खून का थोड़ा लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, और उसको रिकवर करवाने के लिए हमें एरिथ्रोपोएटिन नाम के इंजेक्शन वीकली बेसिस पे लेने पड़ते हैं। इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल की दवाइयाँ, आपके कैल्शियम फॉस्फोरस की दवाइयाँ भी डिपेंडिंग ऑन योर रिपोर्ट्स पेशेंट को चालू रखनी पड़ती हैं। अनदर कॉमन क्वेश्चन कि ये डायलिसिस हम हफ्ते में 2 करवाएं या 3 करवाएं। सो दिस ट्वाइस वर्सेस थ्राइस वीकली डायलिसिस, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर न्यूट्रिशनल स्टेटस, on your blood pressure control, on your fluid level control and on your metabolic blood parameters. So, अगर आपका blood pressure बहुत adequately controlled है, अगर आपका weight gain ज़्यादा नहीं है, अगर आपके body में fluid की मात्रा एकदम acceptable range में है और अगर आपके blood parameters भी within required limit में है, तो definitely you can go for 2 times per week dialysis, provided कि आप you continue taking your medicines regularly and you are continuing your visit with a nephrologist continually. अभी सवाल आता है कि किस पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और कौन पेशेंट्स किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते। सो वी ऑलवेज एडवाइज आवर पेशेंट्स टू गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांट, एज डेफिनेटिव थेरेपी इज अ किडनी ट्रांसप्लांट एंड डायलिसिस जस्ट अ ब्रिज थेरेपी।
तो जो काम आपका किडनी नहीं कर रही है टेम्परेली वो काम डायलिसिस कर देता है, लेकिन मेन इलाज हमेशा किडनी ट्रांसप्लांट रहता है। अधिकतर केसेस में किडनी ट्रांसप्लांट मरीज करवा सकता है। कुछ प्रतिशत पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनमें अनुवांशिक कारण से या किसी और कारण से किडनी खराब हुई हो और वो बीमारियां ट्रांसप्लांट के बाद भी आए, उन पेज मरीजों में हम किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं देते हैं। इन बीमारियों में आता है प्राइमरी हाइपर ऑक्सिल्यूरिया या एटिपिकल हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के कुछ जेनेटिक टाइप्स जिनमें ये बीमारियां दोबारा आ सकती हैं। वो मरीज जिनके अधिकतर कॉमन कारणों से किडनी खराब हुई है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पथरीका होना या ADPKD सिस्ट, किडनी में सिस्ट होना, वैसे मरीजों में ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल पाया गया है और ऐसे मरीजों में 95% सक्सेस रेट देखी गई है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। आखिरी सवाल जो मरीजों को आता है, डॉक्टर साहब क्या हमारा डायलिसिस बंद होगा या हमें जिंदगी भर का डायलिसिस कराते रहना पड़ेगा अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट ना कराएं तो? तो इसका जवाब है, जैसा मैंने बताया, डिपेंड करता है कि आपका किडनी खराब होने का कारण क्या है। अगर आपका किडनी लंबे समय से खराब था और अब जाके आपका क्रिएटिनिन आपको एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज पे ले आया है तो आपको किडनी डायलिसिस कराते रहना पड़ेगा। ये डायलिसिस हफ्ते का 2 या 3 होगा, लाइक आई सेड, डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल स्टेटस, डिपेंडिंग ऑन योर वॉल्यूम कंट्रोल। और वो पेशेंट जिनमें टेम्परेली किसी रीजन से किडनी पे प्रेशर आया और किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, जिसको अक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, ऐसे केसेस में रिकवरी के चांसेस 70-80% रहते हैं और ऐसे पेशेंट्स हफ्तों से लेकर 3 महीने में इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।